वेलकम बैक टू दी एज ऑफ डेटा चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग एक और जो आपकी डेटा विजुलाइजेशन में जो लाइब्रेरी यूज़ होती है उसके बारे में बात करेंगे। वो है सी बॉन्ड। एक मैं आपको बता चुका हूँ मैटप्लॉटलिब, ठीक है। ये वाली लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको मैटप्लॉटलिब के बारे में बताया था। अब जो है सी बॉन्ड के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ये लाइब्रेरी भी काफ़ी अच्छी है और इसमें ये लाइब्रेरी भी काफ़ी यूज़ होती है, वाइडली यूज़ होती है ये वाली लाइब्रेरी। ये स्टैटिकल लाइब्रेरी है, ठीक है। इसको मैटप्लॉटलिब के ऊपर बनाया गया है, तो मैटप्लॉटलिब के जो वेरिएबल हैं वो आप इसमें भी यूज़ कर पाओगे। सबसे पहले आप जो है इसका डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लो। देखो मैंने पहले से ही किया हुआ है सी बॉन्ड का। सी बॉन्ड डॉक्यूमेंटेशन डाल देना, आ जाएगा अपना। और उसके बाद आप गैलरी में क्लिक कर देना, ठीक है। तो गैलरी पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर आ जाओगे। जो इनके जो ग्राफ्स हैं इस पर आ जाओगे। अभी जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे डिस प्लॉट पे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट पे। पहले वाला प्लॉटिंग यही रखते हैं। और इससे पहले कि आप लोग इस पे कोडिंग पे चले, आप लोग इंस्टॉल कर लेना इसको। नॉर्मल है अपना जो आप पहले करते आए हैं, कोंडा इंस्टॉल सी बॉन्ड। एक सेकेंड, ये वाली जो लाइन लिखी है कोंडा इंस्टॉल सी बॉन्ड, या फिर अगर आप लोग उसको यूज़ करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट को, तो पिप इंस्टॉल सी बॉन्ड लिख देना, तो वो आपकी इंस्टॉल हो जाएगी लाइब्रेरी, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने कोड पे। देखो पहला है आपका, एक सेकेंड, हमारा है डिसप्लॉट, ठीक है। इसको हम लोग मार्कडाउन कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट पे चलेंगे, ठीक है। सी बॉन्ड के पहला चार्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, ठीक है। अब सी बॉन्ड में अपने ही कुछ जो डेटा सेट हैं वो इनबिल्ड होते हैं, तो मैं वो वाला डेटा सेट लूँगा। टिप्स के नाम से एक डेटा सेट है जिसमें जब आप लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो उसमें आप टिप्स देते हैं वेटर्स को, उसका एक डेटा सेट है, ठीक है। उसके लिए आप लोग सेम जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सेम आप वो ये लाइन कोड के लिख देना तो डेटा सेट आपको मिल जाएगा, मतलब इंपोर्ट हो जाएगा अपना डेटा सेट यहाँ पर टिप्स, ठीक है। और ये आपका टिप्स डॉट हेड, देखो हेड वगैरह के बारे में मैं बता चुका हूँ। बाकी आप इसका डेटा सेट है क्योंकि इनबिल्ड है, तो जैसी जो कि तू लाइन जो मैंने लिखी है वो आप लिख देना, डेटा सेट आपका ओपन हो जाएगा। तो ये जो डेटा सेट है आपके पास, इसकी हेड आ गए, इसमें मतलब स्टार्टिंग के जो पांच वैल्यूज़ हैं वो आपके पास आ गए। देखो इसमें आपके पास टोटल बिल है और टिप है कि जितनी टिप मिली है, उसके बाद आपका जेंडर है मेल और फीमेल, इसके बाद स्मोकर है कि आप स्मोकर हो या नहीं वो भी बताया हुआ है, डे है आपका, टाइम है आपका और साइज़ है, ठीक है। तो अब इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट प्लॉट करना है, जो ग्राफ है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसमें मैम हम लोग चलते हैं, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करें, SNS इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अब सी बॉन्ड पे हम लोग आ गए हैं। मैटप्लॉटलिब में PLT लेते थे, इसमें SNS लेना है, ठीक है। उसके बाद अपना देखो सी इसमें मेरे ख्याल से अगर इसमें दिया हो, इसमें तो कोई एग्जांपल नहीं दिया, चलो मेरे से देखो। इसमें आपका जो कीवर्ड यूज़ होता है डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट के लिए, DIST प्लॉट। इसके बाद अब जैसे मुझे टिप्स की पहली वाली जो पहली रो है टोटल बिल की, ठीक है, टोटल बिल के लिए जो ग्राफ है वो प्लॉट करना है, तो मैं इसमें क्या लिखूँगा, टोटल बिल, ठीक है। आप एंटर मारेंगे तो अब देखो आपके पास, देखो इसमें एक एरर आ रही है, इसको कोई बात नहीं, इसको आप लोग अवॉइड कर सकते हैं, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके चार्ट पे, ठीक है। तो फंक्शन एंड विल रिमूव इन सी बॉन्ड, देखो इसमें क्या कहते हैं रिमूवल के बारे में बताया गया है, ठीक है, वर्जन 14 में, लेकिन फिर भी एक बार आप समझ लो, कोई बात नहीं, रिमूवल हो जाएगा तो जबकि जब देखेंगे। अभी देखो आप यहाँ पर हमने
अपना डेटा सेट लिया टिप्स, और जो हमें चार्ट था डिस्क प्लॉट का वो हम लोगों को प्लॉट करना था अपने टोटल बिल के लिए, तो यहाँ पर मैंने टोटल बिल ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो चार्ट प्लॉट हुआ है आपके पास वो आपका इस तरीके से है। अब इस एक सेकंड इसमें मेरे ख्याल काम करता हूँ, मैं ये लाइन हटा देता हूँ पहले, इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। ये जो लाइन आ रही है आपके पास ग्राफ के अंदर, ठीक है, KDE कहते हैं इसको, इसको बाद में देखेंगे, अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। KDE इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, अब देखो आप आ गया आपके पास चार्ट, ये आपके पास चार्ट आ गया टोटल बिल का, एक्स एक्सिस है आपका टोटल बिल। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं वाई एक्सिस भी आपके पास टोटल बिल का ही है। ठीक है, इसके बाद आप लोग इसमें अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें डेटा सेट थोड़ा कम दिख रहा है, मैं थोड़ा सा और इसमें डेटा सेट को देखना चाहता हूँ, तो आप लोग कैसे करेंगे वो देख लो एक बार। जैसे KDE फॉल्स मैंने इसमें लाइन हटाने के लिए किया था, इसके बाद आप लोग इसमें एक इसमें एक कीवर्ड यूज होता है बिन्स इज इक्वल टू, अब देखो जैसे मेरे को 40 तक जाना है, मेरे को 40 रो तक जाना है कि उसका डेटा शो हो। देखो आ गया आपके पास डेटा 40 रो तक जो आपका डेटा है वो इस तरीके से आपके पास शो हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ टोटल बिल के लिए आपके पास जो डेटा है वो मिल गया आपके पास। ठीक है, ठीक है, आपके पास ये आपके पास डेटा आ चुका है और ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट भी आपका हो चुका है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है मतलब जिसको आपको समझ में ना आए, बस मैंने टोटल बिल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बनाया था। ठीक है, और एक सेकेंड बस एक मिनट, 2.5, ठीक है 2.5, टोटल बिल को लेके मैंने ये जो चार्ट है वो आपके पास बनाया था। ठीक है, तो टोटल बिल के साथ आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट है वो आपका कुछ इस फॉर्म में आपको शो हो जाएगा। ठीक है, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टिप्स के लिए एक बार यहाँ पर टिप ले लेता हूँ, तब रन करके देखो आप, तो आपके पास टिप जो है $2 की जो टिप है वो मोस्टली बहुत ज़्यादा आप देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब एवरेज $2 जो है टिप मोस्ट इसका जो नंबर है वो हायर है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इस पे भी बना सकते हो, बाकी कोई और डेटा पे चाहो तो, जैसे बस बाकी और तो कोई डेटा ही नहीं है, बाकी साइज़ भी ले सकते हो, साइज़ न्यूमेरिकल वैल्यू है इस वजह से ले रहा हूँ मैं न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो जो दो लोगों ने जो ऑर्डर किया है वो बहुत ज़्यादा है नंबर में। ठीक है, मेरे ख्याल से 160 के करीब ऑर्डर होते हैं जो दो लोगों के लिए आते हैं, उसके बाद तीन ऑर्डर आते हैं जो कि 40 के करीब आते हैं, उसके बाद चार के लिए भी आते हैं, पाँच के लिए और छः के लिए। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, डेटा से रिलेटेड अभी हम लोग आगे चलेंगे तो इसको प्लॉट करेंगे, तो अभी समझाने के लिए मैंने आपको दिखाया है, बाकी और भी चार्ट्स हैं इसमें वो भी हम लोग आगे चल के सीखेंगे। तो अपनी जो वीडियो है इसको हम लोग यहीं रखते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट की जो वीडियो है इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी अपनी अगली वीडियो में मुलाकात होगी अगले टॉपिक के साथ।